डिजिटल थर्मामीटर दोस्तों आप सभी ने इसका यूज किया होगा बुखार नापने के लिए, अंडा मांस या मुंह के अंदर लगाकर बुखार नापा होगा, जो कि आपका 99, 98, 100, 103, 104 के बीच में आया होगा। बट कभी आपने सोचा है कि अगर इसको हम एक गर्म पानी में रख दें, काफी गर्म पानी में रख दें, या बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो, तो 104 से कितना ऊपर जाएगा, 110, 120, 150 तक जाएगा इसका टेम्परेचर या नहीं जाएगा। दूसरा, अगर इसको हम बिल्कुल ठंडे एनवायरमेंट में रख दें, यानी कि बिल्कुल ठंडे पानी में रख दें जिसके अंदर बर्फ हो, काफी ज्यादा ठंडा हो, तो क्या ये डिजिट 20, 30, 40 तक भी जाएगी? तो अभी तक नॉर्मली हमने इसको 97 से 104 के बीच में ही देखा है, ऊपर या नीचे नहीं देखा है। तो वही एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे कि डिजिटल थर्मामीटर उसको भी मापेगा या नहीं मापेगा। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें इसके अंदर से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों हमारी मेहनत के लिए। चैनल पे पहली बार अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट वीडियोस जिसमें आपको काफी अच्छी जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, वो हमारे चैनल पे वीडियोस आती रहती हैं, और साथ में ये वीडियो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सब लोग इस तरह के डिजिटल थर्मामीटर के प्रॉपर यूज को जान सकें। दोस्तों ये है बर्फ, हमने एक गिलास में बर्फ डाल ली है और उसके अंदर डाल लिया पानी, जिससे हो जाएगा वो बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी। दूसरा एक गर्म पानी है, हॉट वाटर है काफ़ी। अब इन दोनों के अंदर टेस्ट करके देखेंगे थर्मामीटर को। तो सबसे पहले गर्म वाले के अंदर डालते हैं, और गर्म वाले के अंदर जाते ही देखिएगा उसमें लिखा आता है हाई, यानी कि हाई टेम्परेचर, तो कोई डिजिट नहीं बता रहा। एक बार दोबारा देखते हैं तो लो से सीधा वो एक नंबर तक बढ़ता है और उसके बाद हो जाता है हाई। अब ठंडे वाले के अंदर देखते हैं तो ठंडे वाले के अंदर लो तो पहले से ही लिखा होता है जब ये डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो ऑलरेडी लो है। एक बार और देखते हैं और ये देखिएगा दोस्तों इसमें अभी भी लो है। तो ठंडे वाटर में लो ही रहता है, गर्म में हाई हो जाता है। तो ये बेसिकली बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी को नापने के लिए बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको ये वीडियो देखने को मिल सके।